हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे बीएमटीसी 131 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, फर्स्ट सेक्शन ए नंबर वन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन का नंबर वन क्वेश्चन। तो हमें अगर यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है, ट्रू है तो क्यू और फॉल्स है तो क्यू, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस बाइनरी ऑपरेशन वाई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स वाई डिफाइंस ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर। तो ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स वाई, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो प्लस को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, एक प्लस बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को प्लस इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक बाइनरी ऑपरेशन इससे हमें समझ में आती है। तो यह है क्वेश्चन नंबर वन। तो देखिए, हेयर एक्स बिलोंग्स टू कौन, यहाँ पर किससे, आर, ठीक है ना। तो फिर हम एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स वाई रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। आप आर से कुछ भी यहाँ पर वैल्यू ले लीजिए, मतलब एलिमेंट ले लीजिए, और फिर एक्स वाई दोनों एलिमेंट ले लीजिए, रूट ओवर ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब सेट ऑफ और रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर, देन रूट ओवर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई रूट ओवर ऑफ एक्स वाई, मतलब उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई, देन लिखे हैं यहाँ पर, उसके बाद दैट इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन के हिसाब से हम बोलेंगे कि प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो ये हो गया क्या, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इफ जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी सच दैट बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस वन, देन जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो हम फॉल्स दिखा देंगे कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, लेट करेंगे ए इक्वल्स टू -3 एंड बी इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेड इक्वल्स टू -3 प्लस आई इंटू -1 हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, -3 -1, और फिर एक मिनट, -3 -3 लेना है, -1 नहीं, -3 -3 लेना है, क्योंकि 1 दिखाना है ना, -3 -3। तो यहाँ पर इधर -3 आ गया, इधर -3, ये -3 -3, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स का ये काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, नो इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज एन अपर बाउंड। आर की कोई ऐसी इनफाइनाइट सबसेट नहीं है जिसका एक अपर बाउंड है। तो मान लीजिएगा नेगेटिव जेड जो सेट है, लेट करेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव जेड, -∞ टू -∞ टू यहाँ ऐसे आएगा, -∞ टू यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा -2 -3 -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का जेड, ये सेट लेंगे। तो इसका हम अपर बाउंड क्या ले सकते हैं, अपर बाउंड 0, ठीक है ना। तो अपर बाउंड 0 ले सकते हैं, हेयर द सेट इज इनफाइनाइट एंड इट हैज
एन अपर बाउंड जीरो, ये भी ये बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट यहां पर लिख देना, उसके बाद लिखिएगा फॉल्स। उसके बाद नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ एफ सच द एफ मैप्स आर टू आर, ठीक है ना, तो यहाँ पर डोमेन सेट कोडोमेन सेट दोनों ही आर टू आर है, ये है पूरा आर सेट, और ये जो सेट है यहाँ पर एक ही एलिमेंट है वो है वन, यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन जाएगा, ठीक है ना, तो फंक्शन एफ ऑफ ऑफ कुछ भी, टू एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ मतलब कुछ भी लिखिए वो आ जाएगा वन, ये है आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में हमेशा इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका एफ ऑफ टू ले लीजिए, थ्री ले लीजिए, कुछ भी लीजिए वो वन आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालना है तो कुछ भी लिखिए आपका तो वन ही आ जाएगा, है ना, तो टू जो गिवन है यहाँ पर वो क्या आ जाएगा आपका रॉन्ग, तो हे आर लिखिएगा, हे आर लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डोमेन सेट देखिए, उसके बाद यहाँ पर बिकॉज द डोमेन डोमेन सेट इज कॉन्स्टेंट, और ये तो डोमेन और ये कोडोमेन सेट है ना, तो इसीलिए ये हो गया आपका फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, फॉर एक मिनट, फॉर एफ एफ मैप्स आर टू आर एंड जी मैप्स आर टू आर, एफ ऑफ जी डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी डैश एक्स, तो ये हम देखेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ जी डैश एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो दिस इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, द डोमेन ऑफ द डेरिवेबल रियल वैल्यूड फंक्शन एफ नीड नॉट बी द सेम एज द डोमेन ऑफ एफ डैश, तो ये तो हम लिखेंगे ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पर नंबर सिक्स, मान लीजिए लेट एक मिनट, लेट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर टू थर्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है इसका जो डोमेन है ये डोमेन क्या है आपका आर है ना, और उसके बाद एफ ऑफ एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल्स टू 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 थर्ड इंटू एक्स पावर माइनस वन थर्ड, टू थर्ड इंटू वन बाई एक्स पावर वन थर्ड, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल्स, दिस इज इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन सेट, डोमेन सेट इज इक्वल्स टू, दिस डोमेन डोमेन सेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डोमेन इसका आर माइनस जीरो करना होगा, अगर जीरो हो जाएगा ये तो इन्फिनिटी मतलब इसका कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा, है ना, तो दोनों का देखिए डोमेन अलग हो रहा है, तो इसीलिए ये आ जाएगा आपका ट्रू ट्रू। उसके बाद नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स बाई कॉस पाई बाई टू माइनस प्लस एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स बाई कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो एक्स बाय साइन एक्स दिस इज इक्वल्स टू वन, तो फिर यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, और इसका ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, तो स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है वो आपका फॉल्स गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन, एवरी रियल फंक्शन
एक मिनट, क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसके बाद इधर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया, क्वेश्चन नंबर एट। एवरी रियल फंक्शन हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेशन जो है उसे इन्फ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो एवरी रियल फंक्शन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, व्हिच इज ए रियल फंक्शन। बट देयर हैव नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेक्शन बुक में तो इन्फ्लेशन दिया हुआ है, इन्फ्लेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज डिफरेंशियबल। नहीं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, हम लेट करेंगे बॉक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, विच इज इंटीग्रेबल इन ए फाइनाइट इंटरवल बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। तो ये भी फॉल्स आया था। क्वेश्चन नंबर 10, डी डी टी ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर टू 3t, 3t टू टी स्क्वायर, एक्स पावर 20 साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखिए डी डी टी ऑफ थ्री टी टी स्क्वायर एक्स पावर 20 साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर? टी स्क्वायर होल पावर 20 इंटू साइन टी स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2t, और फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पर 3t पुट करेंगे, होल पावर 20 साइन 3t का स्क्वायर इंटू 3t का डेरिवेटिव 3। तो ये आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर टी पावर 40 इंटू साइन टी पावर 4। ठीक है ना? तो इसीलिए ये हो गया आपका साइन टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फॉल्स। देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हम करेंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, देखेंगे जितना हो सके हम करेंगे। ठीक है ना? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।